नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में अतिवृष्टि और जल भराव से आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को राजधानी में जल भराव प्रभावित योजनाओं का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रताप नगर सेक्टर 26 में धोलागिरी आवास योजना सहित मानसरोवर व अन्य इलाकों की योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल भराव की स्थिति न बने इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार के आपदा मंत्री रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भावनात्मक होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, हमने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है और स्वीकार करेंगे भी नहीं। राठौर ने कहा कि मेरी मीणा से बातचीत हुई है और मुझे विश्वास है कि वो फिर से साथ में जुड़ेंगे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सोमवार को एक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में एक ट्रेवल्स कंपनी के छापा मारकर वहां आई घी की खेप को सीज किया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि पोलो विक्ट्री स्थित इंटरसिटी ट्रेवलर्स की बस में मदर चॉइस ब्रांड का घी और मिल्क क्रीम की खेप इंदौर से जयपुर लाई गई थी। करीब 705 लीटर घी और 540 लीटर मिल्क क्रीम की इस खेप की आने की सूचना जब हमें लगी तो हमारी टीम ने कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा काफी बड़ा है क्योंकि राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में दूसरे साल भी अब तक कोई चुनाव की तैयारी नहीं दिख रही है। छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने चुनाव का वादा किया था लेकिन अब इसे कराने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं जो छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर छात्र के पक्ष में है। हालांकि अब राजस्थान उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी छात्र संघ चुनाव पर बयान दिया है। जयपुर में सोमवार को उद्योग और सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई। वे शिप्रा पद जाने में फौज के कमांडो के कपड़े उतारकर पीटने से नाराज थे। घटना की जानकारी मिलने पर मंत्री शिप्रा पद जाने पहुंचे और मौके पर ही अफसरों को फटकार लगाते हुए नसीहत दी। एसीपी ने कहा कि आपकी पुलिस में बेसिक मैनर्स नहीं सीखे। दरअसल एक दिन पहले ही सेना के कमांडो अपने किसी परिचित के केस के सिलसिले में जानकारी लेने शिप्रा पद थाने गए थे। थाने में पुलिस वालों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया और उन्होंने खुद केस सेना में होने का परिचय दिया। सीमा पार से हो रही घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल स्मार्ट फेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। बीएसएफ ने घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसी फेसिंग लगानी शुरू कर दी है जिसके साथ छेड़छाड़ होते ही हेडक्वार्टर पर अलर्ट चला जाएगा। फेसिंग के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर 870 किमी की लेटरल रोड लगाई जाएगी और इसी के साथ ही फेसिंग का काम भी बढ़ेगा। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्तों की ओर से दायर अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिंगा की सुनवाई की जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मंगल शर्मा ने दलील की जिन्हें अदालत में सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोले जाने को लेकर गंभीर है और इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही सुनवाई में कहा कि शंभू बॉर्डर पर यात्रियों के लिए एक लाइन खोली जाए। अदालत ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को पटियाला और अंबाला जिलों के अधीक्षकों के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक करने को कहा है। सवाई माधोपुर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, यहाँ तेज बारिश आफत बन रही है और इसी के चलते रविवार को लाठिया नाले में एक युवक बह गया। इसके बाद सोमवार को कुशाली में एक महिला लाठिया नाले के तेज बहाव में बह गई जिसका शव जाति धाम से थोड़ा सा आगे नाले में मिला। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के किसानों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर अवैध खेती करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। किसानों ने बताया कि उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 में दबंग लोगों द्वारा फर्जी दावे लगाकर फर्जी डिग्रियों द्वारा विभाग की हजारों बीघा जमीन हड़पने का प्रयास किया गया है। बाड़मेर जिले के लीलसर गांव में बीती रात एक साथ दर्जन हिरणों का शिकार करने की घटना सामने आई है। शवों को घने जाल पर देखने पर लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और इससे आक्रोशित लोग शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर सविता दहिया, एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी कृतिका यादव और अन्य पुलिस दल मौजूद रहा। बड़ी संख्या में हिरणों का शिकार होने पर वन्य जीव प्रेमी 8 से 9 घंटे में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि राज्य में पीपल लीक मामले में राज्य सरकार बड़े मगरमच्छों तक पहुंच रही है। परनामी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार के बजट को लेकर शहर के सांसद कार्यालय पर पत्रकारों से कहा कि अपराधी सरगना विरोधी अभियान के माध्यम से गहलोत के जंगल राज में पनपे अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। राजस्थान में अजमेर संभाग के टोंक के निवाई उपखंड के किसानों ने आपदाओं से चौपट हुई फसलों की विशेष गिरदावरी की मांग की। उन्होंने तत्काल गिरदावरी कराई जाने और आपदा राहत कोष से सहायता दिलाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दिलवाने
और बीमित किसान को बीमा पॉलिसी का वितरण करवाने की मांग की। डूंगरपुर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह लक्ष्मण मैदान में आयोजित करेंगे। समारोह की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन और डॉग स्क्वाड की टीम ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान मैदान में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जैसलमेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बजट में शिव विधानसभा को कुछ भी नहीं दिए जाने पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इस बारे में नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे एमएलए फंड के 5 करोड़ रुपए से विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। और इसके साथ ही निर्दलीय विधायकों के साथ डिनर चर्चा की और कहा कि केवल खाना ही था, ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि कुछ चीजें चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।